नमस्कार, न्यू रेसिपी रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बिना गैस जलाई आइसक्रीम बनाएंगे। बच्चों के लिए एकदम बाजार जैसी आइसक्रीम बनाने के लिए हम यहाँ पर ये बिस्किट लेंगे। बिस्किट आप अपने पसंद के कोई भी ले सकते हैं। मेरे पास ये गुड्डे वाले बिस्किट थे तो मैंने यही ले लिए हैं। मैं आशा करती हूँ ये बिस्किट वाली आइसक्रीम आपको बेहद पसंद आएगी। आप यदि क्रीम वाले बिस्किट ले रहे हैं तो क्रीम निकाल के ले सकते हैं। और हम ये एक कप गर्म दूध लेंगे। दूध हमें ज़्यादा नहीं लेना है, इसमें ये सारे बिस्किट डाल देंगे। यदि दूध ज़्यादा हो जाए तो आप उसमें बिस्किट और ऐड कर सकते हैं। बिस्किट को आप पहले मिक्सी में चला के छान के भी ले सकते हैं, पर यह दूध गर्म है तो इसमें बिस्किट बहुत ही आसानी से गल जाते हैं। सारे बिस्किट ऐड करने के बाद हम इस तरह हिला लेंगे। इन्हीं के साथ ये जाएगी दूध की एकदम फ्रेश मलाई। 2 से 3 चम्मच हम मलाई लेंगे। ये आइसक्रीम आप पूरी तरह मलाई में भी बना सकते हैं। मलाई को गर्म करके इसमें बिस्किट डाल सकते हैं। अब हम मीठे के लिए यहाँ पर चीनी लेंगे। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। आइसक्रीम में बिस्किट का फ्लेवर ना आए इसलिए हम ये 2 चम्मच बॉर्नविटा लेंगे। आप बॉर्नविटा की जगह चॉकलेट पाउडर भी ले सकते हैं या फिर चॉकलेट को गला के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके हम इस तरह के डिब्बे में डाल देंगे। इस मिश्रण में थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ भी हैं, एकदम चिकना मिश्रण नहीं बनाएं, इसे हम आगे ठीक कर सकते हैं। इस पे ढक्कन लगा के 1 से 2 घंटे तक हम फ्रीजर में रख देंगे। 1-2 घंटे बाद हम चेक कर लेते हैं। 2 घंटे बाद आइसक्रीम हमारी पूरी तरह नहीं जमी है, हमें इसी तरह की आइसक्रीम चाहिए। अब हम इसे एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। मिक्सी के जार में इसे 1 मिनट तक और चलाएंगे। इसे हम मिक्सी में चला के लेंगे तो एकदम चिकना पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। ये बिस्किट की आइसक्रीम बनाने के लिए हमें इस तरह का पेस्ट चाहिए। जब आप ये आइसक्रीम बनाएंगे तो आपको ये लगेगा नहीं ये बिस्किट और बॉर्नविटा की आइसक्रीम है, एकदम मावे वाला फ्लेवर आएगा। अब हम वापस उसी डिब्बे में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये बिस्किट से आइसक्रीम बनाने का तरीका यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, औरों को भी आगे शेयर करें। इसी तरह की और आने वाली नई नई रेसिपी देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आप इस समय इस आइसक्रीम के ऊपर फॉइल पेपर लगा के उसमें आप आइसक्रीम स्टिक लगा सकते हैं। और हाँ, इसके ऊपर से आप बॉर्नविटा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर कटी हुई बादाम डाली है। आप अपने पसंद के टूटी फूटी और भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। अब इस पे ढक्कन लगा के इसे रात भर फ्रीजर में रख देंगे। 5-6 घंटे बाद चेक कर लेते हैं। आइसक्रीम हमारी अच्छे से सेट हो गई है। कुछ एक सेकेंड हम पानी में आइसक्रीम वाले डिब्बे को इस तरह घुमा लेंगे। अब हम चाकू की सहायता से इसे डिब्बे से अलग कर लेंगे। आपको यदि एकदम स्मूथली सॉफ्ट चम्मच से आइसक्रीम निकालनी हो तो आप इस आइसक्रीम को फ्रिज में रखने से पहले फॉइल पेपर या पॉलीथीन लगा के फिर ढक्कन लगा के रख सकते हैं। इस तरह करने से आपकी आइसक्रीम में बिल्कुल भी बर्फ नहीं जमेगा। आपको यदि आम की आइसक्रीम बनाने का तरीका जानना है तो आप इस वीडियो के एंड स्क्रीन में देख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।